नमस्ते दोस्तों, तो एक बार फिर से हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम आप लोग लेकर के आ चुके हैं आपका फेवरेट कार। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी है टाटा की नैनो, जिसको आप लोग पता नहीं कितना ज़्यादा प्यार देते हैं। भाई मुझे खुद नहीं समझ में आता है, तो आप लोग का प्यार की वजह से एक बार फिर से हम रिव्यू करने जा रहे हैं टाटा नैनो का। काफ़ी सस्ते प्राइस में गाड़ी है, क्योंकि हमारे भाई लोगों का कमेंट्स था कि भाई आप गाड़ी तो दिखा रहे हो लेकिन वो प्राइस नहीं आ रहा जो आपका पहले आया करता था। तो मेरा भाई आपके प्राइस में एक बार फिर से हाजिर हो चुका है एक और नया कार। तो नया तो वैसे नहीं बोल सकते क्योंकि गाड़ी हो चुकी है डिसकंटिन्यू, लेकिन भाई ठीक है, गाड़ी काफ़ी अच्छे कंडीशन की है, नया भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम टायर से शुरुआत करेंगे इस गाड़ी का आज। तो दोस्तों टायर कंडीशन इस गाड़ी का आपको देखने को मिल जाता है 60 से 70% के आसपास। जी हाँ, 60 से 70% के आसपास टायर की जो लाइफ है ना, वो अभी बची हुई आपको देखने को मिलने वाली है। और आप कोई भी सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि टाटा नैनो, कोई भी गाड़ी ले रहे हैं तो 50+ ही देख करके टायर कंडीशन वाला गाड़ी लें। अदरवाइज़ दोस्तों आपको सबसे पहला चूना जो है ना टायर में लग जाना है, तो आप देख लीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और 12 इंचेस का इस गाड़ी का आपको टायर साइज़ देखने को मिल जाता है। कोई भी नैनो आप लेने चल जाओ भाई, 12 इंचेस का ही मिलेगा। और इस गाड़ी के अंदर एलॉयज़ कंपनी की तरफ से नहीं आती है, नॉर्मल आपको स्टील व्हील देखने को मिलेंगी, जो कि इसमें भी वही है दोस्तों, स्टील व्हील। और नॉर्मल आपको व्हील कैप्स मिल जाते हैं जो कि प्लास्टिक आपको लगे हुए मिलते हैं। और पीछे से कुछ इस टाइप सा गाड़ी का लुक है जो कि आप सामने में देख ही सकते हैं। और ब्लू कलर की गाड़ी है, वैसे तो पूरा ब्लू नहीं है, इसको शायद से कोई और कलर बोलते हैं, मुझे कलर ध्यान में नहीं आ रहा। आपको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और इस गाड़ी का टेन लाइट्स में आपको बताऊँ तो गाड़ी का टेन लाइट्स काफ़ी कमाल का आपको देखने को मिल जाता है। नॉर्मल बल्ब वाली है, कोई आपको LED टेन लाइट्स नहीं दी गई है, कंपनी की तरफ से नहीं आती तो मैं कहाँ से दे दूंगा यार। और इसमें आप चाहें तो आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं। जो लोग दिल्ली वाले होंगे वो तो भाई गाड़ी को हवाई जहाज भी बना सकते हैं, क्योंकि दिल्ली को रोल बाग आपको अच्छे से पता है क्या मॉडिफिकेशन वहाँ पर होती है। और इस गाड़ी का बूट जो है ना दोस्तों, वो आप ओपन नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन हाँ बूट स्पेस आप यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं। बूट स्पेस यूज़ करने के लिए पीछे का जो सीट है उसको आप डाउन कर सकते हैं, और पीछे में जितना है स्पेस उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत यही है कि पीछे वाला जो डोर है उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा बूट स्पेस यूज़ करने में। और बात करें दोस्तों इंजन की, तो गाड़ी का जो इंजन है वो आपको पीछे में ही मिल जाता है। और पीछे में इंजन होने के कारण बहुत भाई लोग का ऐसा भी कंप्लेन है कि भाई इंजन पीछे है तो अंदर नॉइस आता है कैबिन के अंदर, तो ऐसा कोई सीन नहीं है दोस्तों। स्पोर्ट्स कार का भी इंजन पीछे ही होता है, अगर नॉइस आता है तो कोई 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ का गाड़ी नहीं लेता। तो नैनो के अंदर भी ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ अलग बात है कि भाई लखटकिया के नाम से पहले बदनाम किया गया था, और दूसरी बार इंजन के नाम से भी बर्बाद किया गया था गाड़ी को, जिस कारण से गाड़ी डिसकंटिन्यू भी बहुत जल्द हो गई थी। तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या रीजन है और क्या रीजन नहीं है। और गाड़ी का नंबर प्लेट आपको TN दिखाई दे रहा होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाड़ी का जो NOC है वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। सो नंबर प्लेट में कोई इश्यू नहीं है, आप कहीं भी हैं, कोई भी स्टेट्स हैं, आप बहुत आराम से गाड़ी को ले सकते हैं। और जिनको NOC के बारे में नहीं पता कि क्या होता है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों। NOC का मतलब होता है कि अगर आप कोई दूसरे स्टेट की गाड़ी ले रहे हैं, दूसरे स्टेट में ले जाकर चलाएंगे, तो आपको NOC का वहाँ पर जरूरत पड़ने वाला है। जैसे और मैं आपको डीपली बताऊँ तो सपोज़ आप UP से गाड़ी खरीदें, ठीक है, उत्तर प्रदेश से आप गाड़ी खरीदें और उसको ले जाकर के आप चंडीगढ़ में चलाएंगे, तो आपको वहाँ पे NOC का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि UP जो है ना नंबर वो बदल जाता है, इस कारण से जरूरत पड़ता है। तो आपको NOC के बारे में पता चल ही गया होगा। और गाड़ी का फ्रंट लुक भी देख सकते हैं, काफ़ी कमाल का फ्रंट लुक है। कंडीशन में नो डाउट A1 कंडीशन है, बिल्कुल ज़बरदस्त कंडीशन में गाड़ी है, कहीं से आपको स्क्रेच या फिर ठुकी ठुकी टूटी फूटी आपको गाड़ी नहीं दिखाई देने वाली है। गाड़ी का जो हेडलाइट्स है नॉर्मल हैलोजन वाला मिलता है, कोई आपको इसमें प्रोजेक्टेड हेडलाइट नहीं दिया गया। साथ ही साथ बीच में टाटे के बैजिंग, फ्रंट में आपको सिंगल वाइपर मिल जाएगा, और नीचे में आपको दो छोटे छोटे फॉग लैंप्स इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, जो कि नॉर्मल ही है, कोई आपको LED फॉग लैंप्स नहीं प्रोवाइड कराएगी कंपनी की तरफ से। और गाड़ी का जो ORVM साइड वाला, वो भी आपको नॉर्मल बेसिक सा मिलता है, कोई आपको ऑटो फोल्ड वाले सब फीचर्स आपको ORVM में देखने को नहीं मिलने वाला है। और छत के ऊपर आपको एक सिंगल एंटीना इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा। और कुछ इस टाइप से आपको गाड़ी का स्टार्टिंग वाला जो की होता है ना वो देखने को मिल जाता है। हाँ सेंट्रल लॉकिंग आपको इसमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा है। और नीचे में आपको ABC जो होता है, एक्सेलेरेटर ब्रेक और क्लच, तीनों का तीनों मिल जाएगा, क्योंकि गाड़ी का जो गियर बॉक्स है वो आपको जो मैनुअल गियर बॉक्स होता है वही मिलता है, ऑटोमेटिक वाली ये नहीं है। वैसे अगर आपको ऑटोमेटिक में चाहिए तो हमने ऑटोमेटिक में भी रिव्यू कर रखा है, ऑटोमेटिक में भी हमारे पास सेकेंड हैंड गाड़ी अवेलेबल है, आप लेना चाहें तो ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं। और रियर सीट आप देख सकते हैं, रियर सीट काफ़ी कमाल का मिल जाता है। और जिन भाई लोगों का ये है ना डाउट स्पेस को लेकर के, तो मेरा भाई ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो कि आप सामने में देख सकते हैं, 5.5 फीट का हो या फिर आप 6 फीट के भी हो, बहुत आराम से आप गाड़ी के अंदर बैठ जाने वाले, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और वैसे मैं आपको बताऊँ तो कंपनी खुद क्लेम करती है कि 4 लोग इस गाड़ी के अंदर बहुत आराम से बैठ सकते हैं। वैसे आप 5-6 लोग को बैठाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत तो होना 100% गारंटी है, वैसे 4 लोग तो बहुत आराम से बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे में आपको 2 स्पीकर्स मिल जाती हैं इस ट्रे के ऊपर। कुल मिलाकर बताऊँ तो
गाड़ी के अंदर चार ही स्पीकर दी गई हैं और डोर के ऊपर आपको कोई भी स्पीकर या फिर बॉटल होल्डर नहीं दिया गया, जो कि बहुत गलत किया गया, देना चाहिए था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। और इस गाड़ी का जो हेडरेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल देखने को दोस्तों नहीं मिलने वाला है, आपको अटैच ही मिलेगा। और कुछ इस टाइप से गाड़ी का स्पीडोमीटर मिल जाता है, 120 दी गई है टॉप स्पीड गाड़ी की, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और 120 दी गई है तो चली भी जाती है दोस्तों 120 के आसपास, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रंट में आपको चार एसी वेंट देखने को मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर, जो कि काफ़ी कमाल का वर्किंग करते हैं। और एसी वेंट जो है दोस्तों पीछे में आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा, विथ हीटर के साथ आपको एसी इस गाड़ी का मिल जाता है। और फ्रंट में आपको दो बड़े बड़े ग्लव बॉक्स भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस के साथ मिलता है, जो कि लॉक भी हो जाती है। और ग्लव बॉक्स के बगल में आपको दो बड़े बड़े स्पीकर्स मिल जाते हैं। और साथ ही साथ स्टेयरिंग की बात करें तो गाड़ी का जो स्टेयरिंग है वो नॉर्मल बेसिक सा मिलता है, कोई भी आपको स्टेयरिंग ऊपर कंट्रोल्स नहीं मिलेगा दोस्तों, जो कि काफ़ी गलत बात है, देना चाहिए था। नॉर्मल पावर स्टेयरिंग आपको गाड़ी के अंदर मिल जाती है। और गियर है मैनुअल, जो कि बता दिया था। फ्रंट के जो दोनों विंडोज़ हैं वो आपको पावर बटन के साथ मिल जाएंगे, हालांकि रियर जो है वो आपको नहीं मिलेंगे ऐसे, रियर आपको जो हैंड रोटेटिंग होती है वही मिलेंगी। और गाड़ी के अंदर जो म्यूजिक सिस्टम है वो नहीं लगी है, आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ जाएगा, तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको अभी ही क्लियर कर दिया हूँ। एसी कंट्रोल सब आपको नॉर्मल मैनुअल मिलता है, कोई भी आपको ऑटोमेटिक इसमें एसी जो प्रोवाइड नहीं कराया गया। साथ ही साथ बात करें दोस्तों मॉडल की, तो टाटा नैनो 2014 मॉडल आप देख रहे हैं, पेट्रोल वेरियंट गाड़ी। और पेट्रोल में आपको इस गाड़ी का एवरेज बताऊँ तो दोस्तों एवरेज गाड़ी आपको निकाल के दे देगी सिटी में 20-21 की, और हाईवे पे बात करें तो हाईवे पे गाड़ी बहुत आराम से आपको 26-27 निकाल के दे देगी। और इस गाड़ी के अंदर आप CNG भी लगवा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी पेट्रोल वेरिएंट है। और CNG दो तरीके से गाड़ी के अंदर लगता है, एक तो सेकंड हैंड CNG और दूसरा आपका ब्रांड न्यू CNG, तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा लगवा रहे हैं, ब्रांड न्यू या फिर सेकंड हैंड। अगर आप ब्रांड न्यू CNG लगवाते हैं तो दोस्तों आपका 30-40 हज़ार के आसपास खर्चा आ जाता है, और सेकंड हैंड आप लगवाते हैं तो 15-20 हज़ार के अंदर में आपका गाड़ी के अंदर CNG जो है आराम से इंस्टॉल हो जाता है। और एवरेज की बात करें तो एवरेज आपको सिटी में आराम से CNG पर निकाल कर दे देगा दोस्तों 26-27 की, और हाईवे पे बात करें तो हाईवे पे आपको आराम से 35-36 निकाल कर दे देगा। तो कहीं ना कहीं एवरेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है CNG लगवाने के बाद गाड़ी में। और टाटा नैनो 2014 मॉडल आप देख रहे हैं, किलोमीटर की बात करें तो जो गाड़ी है दोस्तों ये चल चुकी है 55,000 किलोमीटर, जी हाँ बहुत कम चली हुई है। 60,000 से नीचे अगर चला आपको गाड़ी मिल रहा है तो बिल्कुल गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप आराम से गाड़ी को ले सकते हैं। और मैनुअल गियर बॉक्स इसमें मिल जाएगा, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, आप जब इस गाड़ी को लेंगे तो आप बन जाएंगे इस गाड़ी के सेकंड ऑनर। साथ ही साथ बात करें दोस्तों लोकेशन की, तो गाड़ी का लोकेशन है चेन्नई, जी हाँ दोस्तों TN नंबर गाड़ी का लोकेशन चेन्नई है। गाड़ी लेने के लिए या फिर देखने के लिए आपको चेन्नई ही जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, चेन्नई वाले के लिए तो बेस्ट है, वो लोग आराम से गाड़ी को बाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जा करके देखना पड़ेगा वहीं पर। हालाँकि गाड़ी का NOC अवेलेबल है, तो आपको गाड़ी पसंद आए तो बेशक आप गाड़ी को ले सकते हैं। बात करें प्राइसिंग का, तो दोस्तों गाड़ी का प्राइस रखा गया है 80,000 रुपये, जी हाँ ऑनर का आस्किंग प्राइस 80,000 रुपये, लेकिन प्राइस नेगोशिएबल है, सो प्राइस बिल्कुल फिक्स नहीं है। मैक्सिमम गाड़ी आपको पड़ जाएगा 50,000 से 60,000 के अंदर में। बात करें दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर की, तो ऑनर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको डिस्प्ले पे दे दिया हूँ, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है एंड ऑनर से बात करना है। जो भी आपको गाड़ी के बारे में पूछना हो आप बात करके पूछ सकते हैं, फिर चाहे वो पेपर से रिलेटेड हो या फिर कैसे गाड़ी को वहाँ से आप अपने घर ला सकते हैं उसके बारे में आप ऑनर से डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हमें उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ।